हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं रश्मि स्टाइली ब्यूटी। आज हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे घर पे बैठे बैठे बहुत ही आसान तरीके से घर के कुछ सामानों से मैनीक्योर पेडीक्योर कैसे कर सकते हो। अगर हाथ पर बहुत ही ज़्यादा काली हो गई है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे के निशान है, हाथ पर भी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं, इस रेमेडी को अगर अपने हाथ पैर पर अप्लाई करते हो ना, आपका हाथ पर बहुत ही ज़्यादा गोरा चिट्टा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हाथ पर काले दाग धब्बे के निशान है, झुर्रियाँ जाए के निशान, उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना और किस तरीके से अप्लाई करना, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा रेमेडी बनाना। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके का एक बॉल लेना है रेमेडी बनाने के लिए। इसमें एक चम्मच गेहूं का आटा लेना है, जो रोटी वगैरह बनाते हैं वो गेहूं का आटा में एक चम्मच लेना है। इससे क्या होता है, अगर हमारे हाथ पैर पे मैल गंदगी जमी होती है, उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। दाग धब्बे के निशान है, इसको भी रिमूव। के बाद नेक्स्ट लेंगे आधा चम्मच के करीब कस्तूरी हल्दी पाउडर लेना है। आप चाहे तो नॉर्मली जो हल्दी पाउडर यूज करते हो वो भी ले सकते हो, आधा चम्मच से भी कम लेना है। इससे क्या होता है, हाथ पैर को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाने का काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे आधा कटे हुआ टमाटर, उसका हम रस इस तरीके से निचोड़ लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे हाथ पैर को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा गोरा बनाता है। अब अगर हाथ पैर पे दाग धब्बे के निशान है, झुर्रियाँ पड़ गई हाथ पैर पर, उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हमें आधा चम्मच के करीब इसमें नॉर्मली वाटर डालना है इसमें। इसके बाद स्पून की मदद से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी करना है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से मिक्स करना है। रेमेडी बन के तैयार हो चुका है, इसे किस तरीके से अप्लाई करना है तो चलिए हम आगे वीडियो में आप सबको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से फिंगर से पूरे हाथ पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से पहले रेमेडी को अप्लाई करना है हाथ पे, उसके बाद 15 मिनट के लिए मसाज करना है। इस तरीके से मसाज करना है। अगर इस रेमेडी को अपने हाथ पैर पे अप्लाई करते हो ना, इसे 10 मिनट के लिए अप्लाई करने के बाद मसाज करते हो, आपका हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा गोरा चिट्टा हो जाएगा। जो हाथ पैर पे गंदगी मैल जमी होती है, उसको रिमूव करता है। अगर हाथ पैर पे पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ छाए के निशान है, दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, उसको भी रिमूव करने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ये रेमेडी। इस रेमेडी को आज से पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा, इस रेमेडी को अप्लाई करिए, आपका हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा फेयर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। जिस तरीके से मैं अपने हाथ पे इसे मसाज करके बता रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से पैर का भी मसाज करना है। अप्लाई करने के बाद रेमेडी, इसको पैर पे भी इसी तरीके से मसाज करना है बहुत ही अच्छे से। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप पार्लर में जाके जो मैनीक्योर पेडीक्योर करवाते हो, बहुत सारे पैसे खर्च करते हो, उसको भी आप बहुत ही आसानी से बचा सकते हो। पार्लर में ना जाकर आप इसको अप्लाई करें, आपका हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा हाथ पैर। इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करें, आपका हाथ पैर लंबे टाइम तक फेयर रहेगा, ब्राइट रहेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि इसको फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, इसे हाथ पैर पर ही अप्लाई करें, ये फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसको अप्लाई करने के बाद मसाज करें, इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से ड्राई होने दें। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने हाथ पैर को वॉश कर लें। मसाज कंप्लीट हो चुका है, अब इसे एज अ पैक की तरह 10 मिनट के लिए ड्राई होने देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने हैंड को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो फ़र्क, मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो गया है, मेरे हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप भी इसी तरह से फेयर हाथ पैर पाना चाहते हो, ब्राइट स्किन पाना चाहते हो, इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करें, आपका हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह से और भी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू।